हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट जिसमें शॉर्ट नोट मेथड को कवर करेंगे और आज इसका करेंगे पार्ट 13 कवर। इससे पहले पार्ट 12 तक को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल स्टडी 147 पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। इनकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहाँ पर जाके आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा लो रखा है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना पार्ट नंबर 14, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स से जाना है आर पे। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि एक्स कहाँ पर है और आर कहाँ पर है। तो एक्स से आर पे जाना है तो इसके लिए रूट पालन करेंगे अपन। एट नंबर का भी कर सकते हैं, 5 नंबर का भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सूटेबल कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 5 नंबर का हो जाएगा, सीधा सा जाएगा ये रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है डी से डब्लू पे जाना है। डी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे और डब्लू ये रहा। तो डी से डब्ल्यू पे जाने के लिए 6 नंबर का रूट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd नंबर का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी से एक्स पे जाना है, सी एक्स। तो सी से एक्स पे जाने के लिए या तो 6 नंबर से होके जाना पड़ेगा, 10 नंबर से तो जा नहीं सकते। तो इसके लिए फिर रूट हो जाएगा ओनली फॉर 6 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। नेक्स्ट है 4th नंबर का कि टी से जाना है मेरे को डी पे। डी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और टी ये रहा। तो टी से डी पे जाने के लिए कौन सा रूट का पालन कर सकते हैं, 4 नंबर होगा नहीं, 5 नंबर होगा नहीं, तो फिर रूट पालन करेंगे ये वाला यानी 6 नंबर का। तो 4th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट है वाई से जाना है डब्लू पे, वाई ये रहा और डब्लू ये रहा। तो वाई से डब्लू पे जाने के लिए 8 नंबर हो जाएगा सीधा सा रूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का 8। नेक्स्ट है जे से जाना है जी पे, जे ये रहा और जी ये रहा। तो जे से जी पे जाने के लिए सीधा सा रूट हो जाएगा कौन सा, 9 नंबर का। नेक्स्ट है वी से जाना है डी पे, वी नीचे की तरफ है ये रहा और डी ये रहा। तो V से D पे जाने के लिए अपन रूट देखते हैं 6 नंबर का। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है Q से जाना है V पे, Q ये रहा और V ये रहा। तो Q से V पे जाने के लिए रूट बन जाएगा अपने ये वाला कौन सा, 5 नंबर का रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है F से जाना है Q पे, F ये रहा और Q नीचे की तरफ रहा। तो F से Q पे जाने के लिए रूट 7 नंबर का पालन कर सकते हैं क्या, हाँ सीधा सा हो जाएगा इसमें तो 7 नंबर आंसर। क्यों, क्योंकि F से आपको इस तरफ ब्लॉकेज दिखाई देगा, ब्लॉक ये ब्लॉक ये ब्लॉक, तो सीधा सा ये वाला रूट तो लेना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, 7 नंबर। बाकी फिर रूट देखेंगे, इसमें थोड़ा लॉन्ग रूट आ जाता है जैसे ये वाला। रूट तो लॉन्ग है लेकिन सीधा सा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर। नेक्स्ट है वी से जाना है जे पे, वी और जे। अब वी से जे पे जाने के लिए 6 नंबर रूट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 6 नंबर। तो ये हो गया अपने 10 क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में जाना है आपको वाई से जाना है सी पे। अब वाई दिखाई दे रहा आपको ये रहा और सी दिखाई देगा आपको ऊपर की तरफ ये रहा। तो वाई से सी पे चलिए चलते हैं, सीधा सा रूट हो जाएगा इसका तो कौन सा, 3 नंबर का। नेक्स्ट है आर से जाना है डब्लू पे, आर दिखाई देगा आपको नीचे की तरफ, डब्लू दिखाई देगा आपको यहाँ पे। तो आर से डब्लू पे जाने के लिए रूट बन जाएगा इसमें भी कौन सा, 4 नंबर का। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है एक्स से जाना है के पे, एक्स दिखाई दे रहा आपको ये रहा और के दिखाई देगा आपको ये रहा। तो एक्स से के पे जाने के लिए रूट बन जाएगा 8 नंबर का, 8 नंबर का बन जाएगा ना एक्स से जाना है के पे।
बाकी और कोई रूट बन रहा है क्या? एक नंबर भी बन रहा है? 8 नंबर तो कैसे होगा यार, सीधा सा 1 नंबर ही तो होगा इसका, ये वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 8 नंबर तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कॉर्नर को टच कर रहा है। चलिए एक बार मैं थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। 1 होगा, कन्फ्यूजन हो गई है, दोनों में रूट लगभग लगभग सेम ही आ रहे हैं। ये बन रहे हैं। अब सीधा सा देख लेते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों में 9 9 आ रहे हैं। मोड़ की बात की जाए तो 1 2 3, इसमें बात की जाए 1 2 3 4, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, डी से जाना है यू पे। डी कहाँ पे? ये रहा। यू कहाँ पे? ये रहा। तो डी से यू पे जाने के लिए राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये वाला रूट। नेक्स्ट है, जी से आना है ओ पे। जी ये रहा, ओ बिल्कुल नीचे की तरफ। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, देखने पे पता चल रहा है, नो। नेक्स्ट है, एक्स से आना है एस पे। ये एस और ये रहा एक्स। कौन सा बन जाएगा? 5 नंबर। नेक्स्ट है, बी से आना है ई पे। बी दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ये रहा और ई ये रहा। तो बी से ई पे आने के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 10 नंबर। नेक्स्ट है, पी से आना है एल पे। ये पी और ये रहा एल। सीधा सा रूट बन रहा है कौन सा? 7 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। डी से आना है जे पे। डी दिखाई देगा आपको यहाँ पे और डे जे ये रहा। तो सीधा सा रूट बन रहा है इसमें भी कौन सा? 1 नंबर का रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, पी से आना है क्यू पे। पी और ये रहा क्यू। रूट कौन सा बन रहा है? 6 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, 21 नंबर का क्वेश्चन। डब्ल्यू से आना है एस पे। डब्ल्यू और एस, रूट कौन सा? 1 नंबर। नेक्स्ट है, ई से आना है एच पे। ई और एच, रूट आ जाएगा 6 नंबर का। डी से जाना है जे पे। डी और जे, तो डी से जे पे जाने के लिए रूट बन जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट है, पी से आना है एल पे। ये पी और ये रहा एल। तो पी से एल पे आने के लिए रूट बन जाएगा 8 नंबर का। डब्ल्यू से जाना है क्यू पे। डब्ल्यू और ये रहा क्यू। कौन सा रूट आया? 10 नंबर का। नेक्स्ट है, सी से डब्ल्यू पे आना है। सी और डब्ल्यू, तो सी से डब्ल्यू पे आने के लिए रूट बनेगा अपने पास में, ब्लॉक नहीं ले सकते, फिर तो आएगा अपने पास में 5 नंबर का रूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी से डब्ल्यू पे 5। 3 नंबर का आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अपन जाएंगे कहाँ पे? जैसे 3 नंबर का रूट लेंगे तो ऊपर 5 भी आएगा, दो रास्ते आ जाएंगे। नेक्स्ट है, 27 नंबर का। पी से आना है एफ पे। एफ ये रहा और पी ये रहा। सीधा सा जाएंगे ऊपर, या तो यहाँ से टर्न ले लो और ये रहा सीधा। तो कौन सा रूट आ गया इसमें? 6 नंबर का। नेक्स्ट है, आर से आना है एच पे। आर एच तो ये रहा और ये रहा आर। तो सीधा सा आ जाएंगे 2 नंबर के रूट से। नेक्स्ट है, यू से आना है आर पे। यू और ये रहा आर। तो रूट हो जाएगा इसमें 2 नंबर का, ये 1 नंबर का। नेक्स्ट है, वाई से आना है ई पे। वाई और ये रहा ई। तो वाई से ई पे आते हैं, नथिंग ले सकते, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो अपने पास में 2 रूट आ रहे हैं। फिर अपन लेंगे ये वाला रूट। कहाँ पे आना था? वाई से ई पे, ये वाला रूट लेंगे। इसके अलावा का बाकी कोई और रूट बन नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट है, 31 नंबर का क्वेश्चन। टी से आना है एल पे।
टी और एल, तो टी से एल पे आएंगे तो रूट बनेगा 10 नंबर का। नेक्स्ट है आई से आना है ई पे, आई ये रहा और ई ये रहा, तो आई से ई पे आने के लिए रूट बनेगा अपने पास में 2 नंबर का। नेक्स्ट है ओ से आना है के पे, ये रहा की और ये रहा ओ, सीधा सा रूट बन जाएगा कौन सा, 1 नंबर का। नेक्स्ट है आई से आना है एच पे, ये रहा एच ये रहा आई, रूट हो जाएगा कौन सा, 2 नंबर का। नेक्स्ट है डी से आना है क्यू पे, डी नीचे की तरफ रहा क्यू, 7 नंबर रूट आएगा नहीं, तो फिर इस तरफ से होते हुए आ जाओ सीधा, कौन सा आ गया इसमें, 3 नंबर का रूट। नेक्स्ट है क्यू से आना है एफ पे, क्यू और ये रहा ऊपर की तरफ एफ, वही रूट हो जाएगा इसमें भी, 3 नंबर का। वी से जाना है सी पे, वी ये रहा और सी ये रहा, इसमें तो सीधा सा रूट बन जाएगा कौन सा, 9 नंबर का। नेक्स्ट है एक्स से आना है क्यू पे, एक्स और ये रहा क्यू, तो ऊपर से जाएंगे और फिर 8 नंबर के रास्ते से होते हुए आ जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर, ये वाला रूट लेंगे ना। नेक्स्ट है एल से आना है एच पे, एल और ये रहा एच, तो एल से एच पे आते हैं देखे तो 3 नंबर से होते हुए आ जाएंगे, ये वाला रूट, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। नेक्स्ट है एच से आना है ए पे, एच और ए, सीधा सा आ नहीं सकते, बाकी तो रूट बनेगा फिर ये वाला कौन सा, 2 नंबर से होते हुए। तो ये थे 40 क्वेश्चन। अगर आपने हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Study 147 को, और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।